आरोग्य जागृति। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज हम एज ए न्यूज टीम के साथ आ पहुंचे हैं मानिक हॉस्पिटल, जो गाड़खेड़ा एरिया में स्थित है औरंगाबाद। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंजियोग्राफी क्या होती है। आज हमारे साथ डॉक्टर मिलिंद खर्चे हैं, जो डीएम कार्डियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने रेडियल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मराठवाड़ा में सबसे पहले स्टार्ट किया था। आज हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एंजियोग्राफी क्या होती है। एंजियोग्राफी ये एक हार्ट के लिए किया जाने वाला एक इन्वेस्टिगेशन या जिसे हम तपास बोल सकते ये है। एंजियोग्राफी अगर हम सादे लफ्ज़ों में कहना चाहे तो हार्ट की जो खून की नलियाँ होती है, हृदय की जो खून की नलियाँ होती है, उसका फ़ोटो निकालना। और यह एंजियोग्राफी हाथ को या पैर को सुई लगा के उसमें से कैथेटर से कॉन्ट्रास्ट दे के एक कैथलैब नाम की मशीन होती है उस पर ये की जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि हार्ट को जो खून का सप्लाई हो रहा है, जो ब्लड सप्लाई है, जो खून पहुंच रहा है, वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें बीच में अड़चन या ब्लॉकेज तो नहीं है, और वो है तो कितना है, और हमें आगे तकलीफ होने की शक्यता कितनी है, ये हमें उससे पता चलता है। तो ये हार्ट के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऐसी टेस्ट है। सर ये बताइए कि एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए पेशेंट को? एंजियोग्राफी करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, या फिर जिसे हम कहें कि उसके इंडिकेशंस हैं, कि सिर्फ उन कंडीशन में ही एंजियोग्राफी के लिए हम सोचते हैं। हर कोई पेशेंट जिसको सीने में दर्द है उसकी एंजियोग्राफी नहीं की जाती। एंजियोग्राफी के लिए अगर किसी को अगर हार्ट अटैक या जब इसे हृदय विकार कहते हैं, अगर वो होता है तो ऐसे रुग्ण को, ऐसे पेशेंट को एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। हम जो हार्ट अटैक की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, वो भी पहले हमें एंजियोग्राफी करनी होती है, उसके बाद ही हम वो कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको सीने में दर्द हो रहा है, जिसके ECG में कुछ बदलाव है, और बाकी सारी चीज़ें भी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कुछ आदतें हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हृदय की तकलीफ होने की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट में, ऐसी व्यक्ति में एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी को सीने में दर्द है और इसका ECG नॉर्मल है, तो ऐसे व्यक्ति की हम पहले स्ट्रेस टेस्ट या TMT करते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐसे व्यक्ति को भी एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि ये चीज़ें या फिर ये पॉइंट्स जब होते हैं या जब पेशेंट को ये कंडीशन होती है तभी हम एंजियोग्राफी करते हैं। सर एंजियोग्राफी के वक्त ऐसा पेशेंट को कई बार देखा गया है, जब वो कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उन्हें एक लंबी डेट दी जाती है, तो इस कंडीशन में उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डेट दी जाती है वो इसलिए दी जाती है क्योंकि उनको वहाँ पे उतना ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, उनका वहाँ पे उतना ज़्यादा पेशेंट्स उनके पास होते हैं। प्राइवेट में उस तरीके से जनरली एंजियोग्राफी को टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, एक 20 मिनट, लेकिन पेशेंट को हम 1-2 घंटे पहले एडमिट करते हैं, उनके कुछ ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, ECG करवाते हैं, फिर जब एंजियोग्राफी के लिए लेते हैं तो एक 20 मिनट से 30 मिनट में एंजियोग्राफी हो जाती है, और एंजियोग्राफी होने के 2-3 घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। इसमें पेशेंट को एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाता, बेहोश नहीं किया जाता, पेशेंट को दर्द भी बहुत नहीं होता, एक सुई की चुभन जितना दर्द सिर्फ इसमें होता है। पेशेंट अगर हम लोग हाथ से एंजियोग्राफी करते हैं तो चलते हुए आता है और चलते हुए वापस जाता है, अगर पैर से एंजियोग्राफी करते हैं तो पेशेंट को 4-5 घंटे एंजियोग्राफी के बाद लेट के रहना पड़ता है, और बाद में पेशेंट चलते हुए घर जा सकता है। सर अगर पेशेंट जो है जिसके हार्ट ब्लॉकेज होते हैं, तो उन्हें जो है एंजियोग्राफी इमीडिएट करना चाहिए या उसे टाला जा सकता है?
एंजियोग्राफी के बाद ही हमें पता चलेगा कि हार्ट में ब्लॉकेजेस है कि नहीं है। तो अगर हमें ये लगता है कि ये संभावना है कि पेशेंट को हार्ट की जो ब्लड सप्लाई उसमें ब्लॉकेजेस है, तो हमें एंजियोग्राफी तुरंत करके कंफर्म करना चाहिए कि ब्लॉकेजेस है कि नहीं है। अगर है तो उन्हें दवा की ज़रूरत है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, या और भी कुछ करने की ज़रूरत है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट आगे करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एंजियोग्राफी ये एक टेस्ट है जिससे हमें हार्ट के कंडीशन के ब्लड सप्लाई के बारे में पता चलता है, ना कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, एंजियोग्राफी को लेकर जो है सामान्य जनता में जो डर है उसके बारे में आप कैसे देखते हो? हाँ, अक्सर ये देखा है हमने भी हमारे प्रैक्टिस में कि अगर हम किसी रुग्ण को ये बोलते हैं, किसी पेशेंट को बोलते हैं कि आपको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी डर जाते हैं। एक्चुअली एंजियोग्राफी ये तो एक टेस्ट है, तो एंजियोग्राफी के लिए एक्चुअली डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजियोग्राफी अभी जो भी एडवांसेस हुए हैं उसकी वजह से काफ़ी सेफ हुई है, काफ़ी सेफ मानी जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि एंजियोग्राफी अगर हम हाथ से करते हैं तो पेशेंट को बहुत दर्द भी नहीं होता है और पेशेंट चलते हुए 2-3 घंटे में वापस घर पे जाता है, जैसे कि सीटी स्कैन में होता है। और लोगों के मन में एक गलत फहमी है कि एंजियोग्राफी यानी कोई बड़ा ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक हार्ट की एक टेस्ट है जिसे हम सिर्फ हार्ट की खून की जो वेसल्स होती है, जो खून की नलियाँ होती है, उसका फ़ोटो निकालते हैं और उससे हमें पता चलता है कि हार्ट का जो खून का सप्लाई है वो ठीक है कि नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी को सीने में दर्द होता है तो हम उसकी डायरेक्ट एंजियोग्राफी नहीं करते हैं, ECG होता है। अगर ECG में कुछ चेंजेस है या अटैक जैसा लग रहा है, क्रिस्टिस पॉजिटिव है, तो ऐसे कंडीशन में हम एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। और जब एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है तो एंजियोग्राफी करने के बाद हमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है हार्ट के ब्लड सप्लाई में वो पता चलता है, और वो पता चलने के बाद हम आगे उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। देखा दोस्तों, डॉक्टर मिलिंद खर्चे सर जो कार्डियोलॉजिस्ट है, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बखूबी एंजियोग्राफी के बारे में समझाया है। और विशेष करके जो लोगों में डर है वो डर के बारे में उन्होंने कहा है कि एंजियोग्राफी करने में कोई दिक्कत नहीं है और सिर्फ ब्लॉकेज अगर होते हैं तो वो देखा जाता है उसके अंदर। दोस्तों, अगली बार हम फिर एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलते हैं, एक नए डॉक्टर के साथ मिलते हैं जो अपने हर फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। तब तक के लिए देखते रहिए AJ न्यूज़, आरोग्य जागृति।